हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू लर्न टुगेदर। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं रेस्टलेस का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और साथ में देखेंगे कि रेस्टलेस वर्ड का हमें सेंटेंस में यूज कैसे करना है। तो आइए सबसे पहले रेस्टलेस की प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। REST रेस्ट, LESS लेस, रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब होता है अनविलिंग टू कीप स्टिल और स्टे वेयर यू आर, स्पेशली बिकॉज यू आर नर्वस और बोर्ड। आप जहां है वहीं रहने या रुकने के लिए तैयार ना होना, खासकर इसलिए क्योंकि आप घबराए हुए हैं या ऊब चुके हैं। यानी एक जगह स्थिर ना बैठने को हम रेस्टलेस कहते हैं। अनविलिंग टू स्टे इन वन प्लेस एंड ऑलवेज वॉन्टिंग न्यू एक्सपीरियंसेस। जब कोई एक जगह रहने को तैयार ना हो और हमेशा नई चीजें अनुभव करना चाहता हो, तब हम रेस्टलेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं विद द वर्ड रेस्टलेस। द चिल्ड्रन हैड बीन इनडोर्स ऑल डे एंड वर गेटिंग रेस्टलेस। द चिल्ड्रन हैड बीन इनडोर्स ऑल डे एंड वर गेटिंग रेस्टलेस। बच्चे दिन भर घर के अंदर ही रहे और बेचैन हो रहे थे। शी इज फीलिंग रेस्टलेस एंड अनफुलफिल्ड इन हर प्रेजेंट जॉब। She is feeling restless and unfulfilled in her present job. वह अपनी वर्तमान नौकरी में बेचैन और अधूरा महसूस कर रही है। The audience was becoming restless. The audience was becoming restless. दर्शक बेचैन होते जा रहे थे। My father seemed very restless and excited. My father seemed very restless and excited. मेरे पिता बहुत बेचैन और उत्साहित लग रहे थे। तो आइए हम रेस्टलेस के सिनोनिम्स या समानार्थ शब्द देख लेते हैं। अनईजी, बेचैन होना। नर्वस, घबराया हुआ होना। टेंस, बेचैन। एंशियस, चिंतित होना। वहीं रेस्टलेस के एंटोनिम्स या विलोम शब्द है पीसफुल, शांतिपूर्ण होना। तो जहां एक ओर रेस्टलेस का मतलब होता है जो विश्राम ना करे या जो बहुत व्याकुल रहता है या चिंतित रहता है, वही उसका ऑपोजिट वर्ड है पीसफुल, यानी शांतिपूर्ण होना। काम, शांत रहना। केयर फ्री, लापरवाह होना। कंफर्टेबल, आराम से होना। तो सिंपल शब्दों में रेस्टलेस का मतलब होता है विश्राम ना करने वाला व्यक्ति, निंद्रा रहित, बेकरार, बेताब, व्याकुल रहता है जो इंसान, बेचैन, चिंतित या अशांत रहता है। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप रेस्टलेस शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप लर्निंग, रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड स्टे हैप्पी।